तो अभी के इस शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि जो भी छात्र 2023 में जो नाइन्थ क्लास के फाइनल एग्जाम देने वाले उन सभी छात्र छात्रों के लिए हम देख सकते हैं मैं मैथ लेकर आ चुका हूँ और चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर जो है ना 1 लेकर आया हूँ। और इस चैप्टर में ना काफ़ी धमाल धमाल क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ, इस धमाल धमाल क्वेश्चन को ना मैं छल्ली छल्ली उड़ाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ना आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। पहला जो चैप्टर उसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें यानी एक एक जानकारी पढ़ेंगे और क्या क्या जानकारी इसमें दिया है, सारा जानकारी, सारा फॉर्मूला, इसमें जो भी फॉर्मूला आएगा सारा का सारा मैं आपको है ना बिल्कुल इजी स्टेप में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं, और वीडियो को है ना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि है ना दोस्तों का जो है ना कुछ हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ना आप देख सकते हैं, अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप है ना ग्रुप में ज्वाइन होकर समझे ना आप है ना लाभ उठा सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार का यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यहाँ देखिए, कहते हैं 10^0, 10^0 क्या आता है, 0, और प्लस 5^0। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, सर जी आप 1 होता है, बताया ना अभी, बताया कि सर जी उसका वैल्यू 1 होता है, प्लस में दिया हुआ 5^0, उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो बीच में प्लस 1, तो 1 कितना हुआ 2 हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते, कहता है कि 8^0 प्लस 4^0, तो आप जानते हैं कि अभी उसका मान बताया 1 प्लस और इसका मान क्या होता है 1, तो 1 कितना हुआ 2, कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, सही सर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते, तो कहता है 7^0 और प्लस 4^0, उसका वैल्यू कितना होता है 1, 1 कितना हुआ जी, तो अभी मैंने बताया कि सबका मान जब 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, मेरे दोस्त याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार दिया हुआ है कि 10^0 माइनस और उसके बाद 15^0, समझिए उसका मान क्या होगा, जानते हैं कि इसका इसका मान कितना होता है 0 का मान, 10^0 उसका मान 1 का माइनस, अब 15^0 उसका मान 1 में से 0, ऑप्शन नंबर क्या आएंगे, बी में जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते, काफी शानदार दिया हुआ कि 15^0, आप तो इंटेलिजेंट हो गए होंगे, समझे, इसका फटाक देने इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा, बताइएगा ना इसका आंसर 0, जी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते, 10 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, तो किसी भी संख्या में अगर 0 घटता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 की बढ़ते, तो कहता है 10^20 प्लस उसके बाद 30^ डिग्री दिया हुआ, 0 नहीं दिया हुआ, डिग्री दिया, 0 इस तरह का होता है डिग्री देगा, तो 20^0 डिग्री, 20 डिग्री या प्लस 30 डिग्री, तो 30 20 क्या होगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा सही से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ, यहाँ देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ, यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 8 में होगा, ठीक है, 2 से अगर 0 में गुना करते क्या होगा, बताइए 2 से 0 में क्या होता है, 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते, तो कहता है 9 कि 10 में से 0 में गुना करेंगे तो 10 में 0 में गुना करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 के लिए बढ़ते हैं, तो कहता है 10^10 × 0, तो 10 × 0 का मान क्या होता है 0, अब प्लस उसके बाद 20 × 0 उसका वैल्यू 0, अब माइनस 30 × 0 उसका मान 0, तो 0 में से 0 सब 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 के लिए बढ़ते हैं, 11 में दिया हुआ, या देखिए कि 10 क्या दिया हुआ, 10 से 0 में गुना क्या होगा 0 हो जाएगा, 10 से 0 में गुना क्या होगा बताइए, 10 से 0 में गुना तो 0, प्लस 20 से 0 में 0, माइनस 10 के 0 में 0, तो 0 0 0 सब क्या होगा 0 हो जाएगा, क्या होगा सब 0 हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्या होगा सब 0 हो जाएगा, इस बात को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहीं दिया हुआ देख सकते हैं, क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, यहाँ देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12, चलिए 12 में दिया हुआ है, इसके थोड़ा सा नीचे, क्वेश्चन नंबर 12 जो है दिया हुआ, यहाँ देखिए
कहता है कि 10 से 0 में गुणा करने क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस 40 से 0 में तो 0, प्लस 30 से 0 तो 0, तो 0 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 7 प्लस ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद माइनस 5 इंटू में प्लस में 13, ब्रैकेट बंद हो गया इस तरह से, ठीक है, बराबर इतना दिया। तो जानते कि देखिए ये एक क्या है, सहचारिता नियम है। सहचारिता नियम बराबर क्या कहता है कि b प्लस सी, यानी a बराबर b प्लस सी इंटू में दिया हुआ, तो इसको बराबर करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, आप देखिए a से b में गुणा क्या होगा, ए बी, प्लस क्या होगा, a से c में गुणा क्या होगा, ए सी। ठीक है, ए सी आ गया। अब यही चीज आपको लाना है, आगे लाना है यही चीज। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि b बराबर, ठीक है, b बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस क्या होगा, c हो जाएगा। ठीक है, तो b से a में क्या होगा, बी ए हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा, ए बी या बी ए हो जाएगा। ठीक है, और b से c में क्या होगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना बराबर कर सकते हैं, ए सी बराबर करना है ना, ए सी, ए बी और ए सी बराबर करना है। तो b यहाँ हो जाएगा और c बाहर हो जाएगा। ठीक है, c यहाँ हो जाएगा, b हो जाएगा, तो बी सी और बी ए बी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, चलिए बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 14 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इस प्रकार का आता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के में से किसका हल जो है ना प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय होंगे। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो है ना जिसमें है ना जो मान होता है गिनती संख्या, वो प्राकृतिक संख्या कहता है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ऐसे सोल्व करेंगे, एक्स बराबर उसको 59 दिया, बराबर इस साइड में आएगा तो प्लस में दिया तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 25। ठीक है, तो 59 में से 25 जाएगा क्या बचेगा, तो 5 में 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 3 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, 34 बचेगा। तो एक प्राकृतिक संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते, तो 15 में दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के में किसका हल संपूर्ण संख्याओं के समुच्चय होगा। तो संपूर्ण में जो है ना प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 जोड़ देते क्या होगा, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको मैं हल करूंगा, तो देखिए क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर दिया है वन। तो जैसे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर जो है ना बराबर के बाद क्या होगा, वन प्लस है तो उधर जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जीरो आ गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जी ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है ना वो इसके तरह 15 दिया हुआ हो गया। चलिए 16 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक शांत दशमलव होता है, तो जानते हैं आप शांत दशमलव कौन होता है, तो जो है ना पी बटा क्यू का मतलब होता है प्रकृत संख्या, परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या, तो जो प्रकृत परमेय संख्या मीन होगा वो क्या होगा, शांत होगा। जो परमेय संख्या नहीं होगा तो अपरमेय संख्या होगा, तो क्या होगा, अशांत हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए यही क्वेश्चन दिया हुआ, 5 के पावर 1/3 इंटू में 6 के पावर 1/3, तो जब दोनों अंक नीचे में बराबर नहीं दिया रहता है तो उसको गुना कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा, जब दोनों अंक नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 6×5 कितना हो, 30, और 1/3 और फिर इंटू में 1/3। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे क्या होगा बताइए, 1/3 1/3 इसको सेम लिखेंगे 1/3, तो 30 के पावर 1/3 ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ बढ़ते हैं, तो 18 में दिया हुआ, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिए 17 के पावर जो है ना 2 दिया हुआ। ठीक है, इंटू में 17 के पावर 6, जब दोनों अंक नीचे का बराबर होता है तो इसको एड कर देना है, सिंपल याद रखिए, 6 × 2 = 8, तो 17 के पावर यहाँ दिए 8 दिया हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 के बढ़ते हैं, तो 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3 दिया हुआ, तो जब दोनों अंक बराबर, तो मैंने पहले बताया ये दोनों के क्या करना है, एड, ये सेम टू क्वेश्चन है कि नहीं सही, तो यहाँ पर 5 के पावर जो है ना कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है ना थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, और 20 में दिया हुआ, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ कि 23 के पावर 8, उसके बाद 23 के पावर 8, उसके बाद 23 के पावर 7, तो देखिए जब इसको दोनों को घटा देना है तो क्या होगा, 1 निकलेगा, तो 23 के पावर 1 निकलेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, सरजीत ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तो क्वेश्चन नंबर 22 के कहते हैं, यहाँ देखिए 21 के बढ़ते हैं ना, 21 क्वेश्चन नंबर 21 के बढ़ते थे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, यहाँ देखिए हाँ क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, यहाँ देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, 2 के पावर 3 और 5 इंटू में 5 दिया हुआ। ठीक है, तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो 2 तो आप रखिएगा, जो अटेजी ये तो एजेटी ही रहेगा,
लेकिन दोनों में गुना हो जाता है, 3 5 कितना 15, कहाँ जाएंगे सर जी, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सर जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 4 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 3, इसका वैल्यू क्या होगा, 4 5 20 क्या होगा, 4 5 20। जब पावर समान होता है तो नीचे में गुना, जब पावर समान नहीं होता है तो नीचे में जोर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 5 20 क्या होगा, 20 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 दोनों समान है, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान दिया, 23 में दिया, 3 के पावर 0 × 4 के पावर 0, तो 3 के पावर 0 का मान क्या होता है 1, गुण 4 के पावर 0 का मान 1, 1 से 1 में गुणेंगे क्या होगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जब दोनों पावर समान है, तो मैंने पहले बताया कि जब दोनों पावर समान है तो पहले पावर लिख दो, जो नीचे जो दब, जब दोनों नीचे का मान वैल्यू समान होता है तो वो लिख दो, उसके पावर को क्या करना है ऐड कर दो, ठीक है। तो 2/3 दिया हुआ प्लस में 1/3 दिया हुआ, जिसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3, ऐसे हम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर 2 और प्लस 1, 2 कितना होगा 3, 3/3 मतलब काटेंगे तो क्या होगा 1, तो 7 के पावर 1 मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही है ना क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का आता है, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आता है कि 7 के पावर 1/2 इंटू में 9 के पावर 1/2, ठीक है। तो जब दोनों के पावर समान होता है तो इस नीचे में गुना कर देंगे, 9 × 7 = 63/1/2, ठीक है। तो 63/1/2 कहाँ जाए, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए कि 6 जब दोनों अंक बराबर है, तो मैंने पहली बताया कि जब दोनों अंक बराबर, तो ऊपर का अंक जो है ना अलग रहेगा, ठीक है। जब नीचे का दोनों अंक अलग रहेगा तो ऊपर का अंक बराबर रहेगा, इस बात को याद रखिए। तो 6 का तो 6 लिखेंगे, ठीक है, और इस पावर को क्या करेंगे एड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो अभी मैंने जोड़ के बताया 2/3 अपर से 1/3, तो इसको 3 क्या होगा 3, 1 2 3, 3/3 काटेंगे क्या होगा 1, तो 6 के पावर 1 का वैल्यू क्या होगा 6 हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 27 हो गया, 27 के बढ़ते हैं, ठीक है। 27 में क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि संख्या ए के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ए क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बताइए 27 का, जी सभी बच्चों का ए आ रहा है, परिमेय है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो आप सत्य के लिए पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर किसी भी संख्या का, जब अगर वो माइनस में होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, प्लस में होगा, ठीक है। और ये ग्रेटर देन एक मतलब क्या कहता है, ई इससे क्या है बड़ा है, तो ये दोनों जब बड़ा है तो ये तो काम नहीं ना करेगा, बराबर चाहिए हमको, क्या चाहिए, ऐसा अंक चाहिए समझिए जो बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए ई न ई से बड़ा है न ई से बड़ा है, दोनों कोई बड़ा सा है कोई से बड़ा है नहीं ना बड़ा है, तो इसलिए ये नियम गलत हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं, तो 1 के पावर 3 का मतलब 1 ग्रेटर देन उसके बाद 1, तो फिर यहीं पर यह भी नियम गड़बड़ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यानी ये जो है इससे कभी बड़ा है ही नहीं, दोनों बराबर ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बता दीजिए बाबू सभी लोग, ये माइनस, हाँ बिल्कुल ये होगा ना जी, बी ना हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 का क्यों करेंगे तो -1 यहाँ पर ग्रेटर 1, तो ई में से ये तो दोनों अलग, ये प्लस ये माइनस ये प्लस है, ठीक है। तो ये तो बड़ा हो गया ना, तो बिल्कुल सही जवाब था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में जो नहीं आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 29 के बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29 का था, यहाँ देख सकते हैं कि 10 के पावर 0 अगुने 20 के पावर 0, तो अभी मैंने बताया कि 10 के पावर 0 का मान कितना 1, अगुने 20 के पावर 0 का मान 1, 1 से 1 में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 के पावर 0 का मान कितना था 1, बट्टा में 3 के पावर 0 का मान कितना 1 प्लस उसके बाद 1, 4 के पावर 0 का मान 1, तो कितना 1 बट्टा में 1 कितना 2, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आप डी। तो इस तरह से हम जो ना पूरा 30 प्रश्न कर लिए, जिनमें से ये VVIP प्रश्न था समझे, तो आप इस नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा, अगर आपको PDF लेना है समझे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि ना आपको समय समय पर नोटिस मिलता रहे और आपका जो है एग्जाम जो है ना बेस्ट जाए, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइव से गया, धन्यवाद, ठीक है।